हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसआर ट्रैवल एंड फन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ी सी कुछ रीज़न है उसकी वजह से अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा नेक्स्ट ट्रिप चिकमंगलूर है, वहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चिकमंगलूर में यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जिधर देखो उधर ही हरियाली, बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ जंगल और उसके बीचों बीच पहाड़ियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं मुलायमगिरी पिक। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि मुलायमगिरी जो है समुद्र तल से 1930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और चिकमंगलुरु से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर स्थित मुलायमगिरी चोटी पश्चिम घाट के बाबा बुदनगिरी रेंज में स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारों की पेशकश करता है। और यह शिखर बरामदा घास के मैदान और ट्रैकिंग रूट से परिपूर्ण है, जिस वजह से मुलायमगिरी को साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक हब के रूप में जाना जाता है, जहां पर्यटक ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे उतर के व्यू देखे और उसके बाद फिर से मुलायमगिरी के लिए निकल चुके हैं और देख सकते हैं हम मुलायमगिरी पीक पहुँच चुके हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हमें और ऊपर जाना है और इसके बाद सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ऊपर से ये नीचे का व्यू है, कितना खतरनाक लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ही डर रही थी, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत ही मज़े आ रहे थे क्योंकि बादल थे और उसमें बहुत ही मतलब हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जो कि मुझे तो बहुत ही ठंडी लग रही थी। और ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे घूमने के लिए और ये बहुत ही फेमस है। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया। और ये देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स मुझे डरा रहे हैं कि मैं नीचे चला जाऊँ। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया हम लोग को। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ ज़रूर घूमने आए, जो भी बैंगलोर में है यहाँ चिकमंगलुरु ज़रूर घूमने आए, क्योंकि यहाँ पे घूमने में बहुत ही मज़ा आता है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं बहुत ही इन्जॉय की। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुलायमगिरी शिखर के सबसे ऊपरी शिखर पर एक छोटा सा मंदिर भी स्थित है, जिस वजह से श्रद्धालु भी यहाँ घूमने आते हैं और दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, कहा जाता है इसके इतिहास के बारे में कि इस चोटी का नाम संत तपस्वी मुलप्पा स्वामी के नाम पर रखा गया है। मुलप्पा स्वामी एक तपस्वी थे जो वर्षों पहले मुलायमगिरी पहाड़ी की चोटी पर ध्यान लगाते थे, जिसके बाद इस चोटी का मुलायमगिरी के रूप में पहचान मिली है। चोटी पर आज एक छोटा मंदिर भी मौजूद है जिसमें मुलप्पा स्वामी की मूर्ति स्थापित है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है। फिर चल के आप लोग को दिखाते हैं वहाँ पर वो जो मंदिर बनाया गया है। फिर से देख सकते हैं नीचे छोटे छोटे
टेम्पल है जो कि हम लोगों ने दर्शन किए, और उसके साथ ऊपर जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ऊपर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट कर लेते हैं। फिर फ़ोटो वोटो हम लोगों ने शूट किया, नीचे के नज़ारे को महसूस किए फ्रेंड्स। इतनी हवाएं चल रही थी फ्रेंड्स जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स ऊपर आने के बाद। देख सकते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं, और नीचे आने के बाद ज़ोरों से भूख लगी थी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे हस्बैंड स्वीट कॉर्न खाते हुए, और ये देख सकते हैं खूब मजे से खा रहे हैं, बॉयल स्वीट कॉर्न है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने अपने लिए मैगी ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे शॉप पे मेरे लिए मैगी तैयार किया जा रहा है जो कि मैं खाऊँगी और इन्जॉय करूँगी। हिल स्टेशन पे मैगी खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैं वेट करते हुए फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं। एक टेंपल है, छोटा सा टेंपल है, वहाँ पे आए हम लोग दर्शन करने के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ऊपर से ही इसका मज़ा ले रहे हैं कुदयमुख पिक का, क्योंकि बहुत ही भयानक था फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाने में बहुत ही डर लग रहा था। तो हम लोगों ने ऊपर से ही इसका व्यू देख लिया और फिर वहाँ से चले आए, और फिर हम लोग नेक्स्ट गए। एक छोटा सा झरना था फ्रेंड्स देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग गए। और फ्रेंड्स मुझे तो जाने में पहले तो डर लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ आई और इसके पानी को स्पर्श की उसके बाद तो मुझे मज़े ही मज़े थे, और मैंने बहुत ही इंजॉय किया फ्रेंड्स को सबसे यहाँ पर। ये कहाँ से इतना तेज, इतना स्लो में नीचे कैसे जा रहा है? फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने बच्चों ने कितने शोर मचा रहे हैं फ्रेंड्स। ये बच्चे पिकनिक स्पॉट के लिए आए हुए हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, और ये मेरे हस्बैंड, मैं इनका फ़ोटो ले रही थी, वीडियो बना रही थी, और ये मैं हूँ। और मैं तो बहुत खुश थी फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स आ गए हैं हम लोग जेट पॉइंट, और फ्रेंड्स यहाँ पे रियली में ये जेट पॉइंट की तरह हमें दिख रहा था, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। यहाँ आप लोग भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आ चुके हैं बाबा बुदन गिरी पहाड़ी पे फ्रेंड्स। कहा जाता है इस पहाड़ी का नाम एक सूफी संत बाबा
बुदन के नाम पर रखा गया था, जो अरब से भारत इस्लाम का संदेश लेकर आए थे और माना जाता है कि वे अपने साथ यमन की मोचा बंदरगाह से कॉफ़ी के बीज भी लेकर आए थे, जिसके बाद ही भारत में कॉफ़ी का उत्पादन शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूफी संत हजरत दादा हयात खालंदर की दरगाह भी है, जिसके दर्शन के लिए मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं का भी आगमन होता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यहाँ दत्ता जयंती भी मनाई जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। यह पहाड़ी स्थल प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में महत्व रखता है फ्रेंड्स। और ये कहा जाता है कि बाबा बुदनगिरी समुद्र तल से लगभग 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो प्रकृति प्रेमियों, श्रद्धालुओं और रोमांच का शौक रखने वालों के लिए भी दूर से आकर्षित करती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं सिरी कैफ़े, और देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ सिरी कैफ़े है, और ये महारानी है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रूम पे आने के बाद फिर इवनिंग टाइम में हम लोग गए थे घूमने मार्केट, और वहाँ जाके हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। देख सकते हैं आप, मैंने तो बहुत ही खाए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गोलगप्पे, तो इसलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का नाइट का व्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाइट में हम लोग घूमे और बहुत इन्जॉय किए, बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने सोचा कि नाइट का व्यू भी कैप्चर कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, और जाके सब्सक्राइब तुरंत करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स।